देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऐसी कौन सी जगह पे आते हैं ऐसे जहां से इस पर नजर रखी जा सके हैं? ये जो बार बार भाग रही है ना, इसके पीछे भाग को पकड़ने के लिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई इसे वहां बांधते हैं। तेरा दिमाग खराब है तेरे कान। भाई आप ही ने तो पूछा है किसे कहां बांधते हैं। भाई मैंने ये बोला, लेकिन ढक्कन अगर वहां बांधेंगे इस पर नजर कैसे रखेंगे है? वो व्यू देखा है तूने? कुछ दिखता है वहां से? नहीं भाई, सॉरी भाई। भाई तब तो कोई जगह नहीं है। एक काम करते हैं, वापस इसको अंदर बांध दे। नहीं रे, अंदर नहीं। अंदर बांधेंगे फिर भागेगी, फिर पकड़ के लाओ, फिर भागेगी, फिर पकड़ के लाओ। तो सारी रात यही करते रहेंगे हम। मुझे भूख लगे, मुझे शांति से खाना खाना, समझ में आया? यहाँ बांधो इसे। ये नेट पे खाना खाएंगे, वहां नजर रहेगी पूरी। इधर बांधो इसे। ठीक है भाई। ए, रस्सी दे। रस्सी दे, बहुत बड़ रही। हाँ टाइट बांधना, नहीं तो फिर फुर हो जाएगी। बांध दिया भाई, टेंशन खत्म। लेकिन तूने एक बात देखी शिवा, पिछले 5 मिनट से साइलेंट मोड पे एकदम, ना फड़फड़ा रही है, ना चीख चिल्ला रही है, एकदम चुपचाप खड़ी है। इसने क्या देख लिया ऐसा? एकदम शांत हो गई है। सीख मिल गई भाई, यहाँ फड़फड़ाने का कोई फायदा नहीं, और फड़फड़ा के भागने की कोशिश बेकार है, इसलिए शांत है। बात तो सही है, ये शांत रहेगी भाई, हम भी चुपचाप खाना खा पाएंगे। थाली लगवाते हैं और खाना खाते हैं। नजर रखना इस पे पूरी। आओ रे, खाना खाते हैं। आओ। पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन से। अब तो आराम से खाना खाएंगे। आ जा रे। कि सब ठीक है। हर दुआ में तेनू मंगदा कर रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा।
लड़की को बोल रहा है। अबे राजवीर रोक सको तो रोक लो। रोक लो देश में पलकी चलो जल्दी चलो। राजवीर अब क्या करें? पलकी बाइक चलाना आता है। बाइक बाइक मतलब पकड़ना तो आता है ना। पकड़ो अंडे छीनना था क्या? पलकी वो लोग अब भी हमारे पीछे। हाँ पीछे ही है। अरे पलकी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, मिरर में दिख रहे वो लोग पीछे ही है। सॉरी सॉरी। अबे वो भाग रही है, उड़ जाएगी हाथ से। अरे तू रोक रोक तू गाड़ी रोक 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 तू गाड़ी चला ना बैलगाड़ी, ऐसे चेस करेंगे निकल गई ना। तू आ गए तू तू चला। अरे मैं पहले ही कह रहा था ये गाड़ी नहीं चला पा रहा है, मैं चलाता हूँ अब तुम देखो। आया तू पीछे आया भाई, इसको गाड़ी चलाने नहीं आती। अबे, अबे तुम दोनों एक सही हो क्या? या ना यार भाई अभी देख कैसे गाड़ी चलाते। गई वो निकल गई यार। वैसे एक काम नहीं होता यार तुमसे। अब वो लोग दिखाई नहीं दे रहे, एटलीस्ट हमारा पीछा तो छूटा। क्या हुआ तुमने बाइक क्यों रोक दी? रोकी नहीं है बाइक, रुक गई है। ओह गॉड पेट्रोल खत्म हो गया। तो पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। मैं भी ना घर से निकलने से पहले मुझे चेक करना चाहिए था कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है। मैंने चेक ही नहीं किया और पेट्रोल खत्म हो गया। अब गाड़ी आगे बढ़ भी नहीं सकती। गलती मेरी है, इररिस्पॉन्सिबल हूँ ना मैं। बस हमेशा बिना सोचे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैं। देखो अब पेट्रोल खत्म हो गया। राजवीर तू इतना बड़ा स्टूपिड कैसे हो सकता है? कैसे जाएंगे अब? पलकी क्या हो गया? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, मैं खुद को डांट रहा था। मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूं, तुम क्यों रो रही हो? मैं हमेशा सोचती थी कि हमारी लाइफ में जो भी आता है ना उसके आने की कोई ना कोई वजह होती है। ऊपर वाला उसे किसी होनी या अनहोनी के लिए भेजता है। आज मेरी लाइफ में इतनी बड़ी अनहोनी हो गई और
बाबा जी ने मुझे बचाने के लिए तुम्हें भेजा, शायद इसीलिए तुम्हारा मेरी किस्मत किस्मत मेरी जिंदगी में आना लिखा था। मुझे बचाने के लिए तुमने कई बार 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 हर बार मुझे बचाया है। न जाने किस किस से बचाया है, कितनी प्रॉब्लम्स में पढ़ने से बचाया है। हमेशा मुसीबतों में मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा की है। थैंक यू फॉर बीइंग माय सेवियर राजवीर। पलकि, कभी कभी हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है, और कभी कभी यू नो, जो सोचा हुआ है उसके अलावा कुछ और हो जाता है। लेकिन हमें ना अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें कभी इतनी गहराई से सोचना ही नहीं चाहिए कि सोचा हुआ ना हो तो दिल को तकलीफ हो। और दिल को तकलीफ क्यों देनी है, तुम भी मत दो दिल को तकलीफ अपने, ओके? अरे तुम मुझे ये बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था, कौन थे वो लोग? I don't know, वो कौन थे, क्या चाहते थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया। शायद पैसों के लिए। नहीं नहीं नहीं, पैसों के लिए किडनैप नहीं किया। अगर पैसों के लिए किडनैप किया होता तो फिरौती का कॉल तो आता, हमें कोई कॉल आया नहीं। हाँ, वैसे भी आजकल 20-25 हजार के लिए कौन किडनैपिंग करता है। नहीं, आई मीन हमारे सर पर पक्की छत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, जितना कमाते हैं महीना खत्म होने तक सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। किसी ना किसी चीज की कमी पड़ी जाती है, लेकिन कभी ज्यादा नहीं होता। पता है मेरी बीजी कहा करती थी, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गम है, हर घर में एक कमरा कम है। चाहे कितना भी मिल जाए, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। बल्कि हमेशा एक कमी तो रह जाती है, या तो जिंदगी की कमी या फिर पैसों की कमी। लेकिन सच बात बताओ, कम पैसे अच्छे हैं। अगर ज्यादा पैसे हो तो ज्यादा तकलीफें होती है, और जिंदगी ना कम पैसों में भी बहुत खूबसूरत बीत जाती है। सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं। बल्कि एक सेकेंड, हाँ ले जा, जरूरत हो तो मेरी ख्वाहिशें। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, बल्कि तुम जहां भी रहो, यहां रहो या कहीं और रहो, तुम सेफ हो और हमेशा सेफ रहोगी। मैं हूं ना, जरूरत हो तो मेरी धड़कनें इनमें सुनाई देगी
कह रहा है भी तू गाड़ी चला रहा है, तू मरवा के मानेगा क्या अभी? अबे हवा में गाड़ी मत चला, हम गलत रोड पे आ गए, ये रोड शमशान घाट की तरफ जाती है, वहां ले जाएगा तू हमें, तू रोक गाड़ी रोक। भाई मैं सही चला रहा था। अबे चुप रहे तू यार, लड़की फुर हो गई, निकल गए दोनों हाथ से, कहां ढूंढ रहे रात को, उसका प्लान फेल कर दिया हमने यार, शौर्य सुनेगा ना गुस्सा हो जाएगा, पूरे प्लान की ऐसी कितने सी कर दी हमने यार, एक काम नहीं हुआ हमसे। What? ऐसे कैसे भाग गई? तुम लोग एक लड़की को नहीं संभाल सके? तुम इतने सारे और वो क्रैकपॉट अकेले तुमको पीट गया? और फिर भी वो भाग गई। You guys are such losers. शौर्य मेरे भाई, गलती हो गई यार, पता नहीं चला ये कैसे हो गया सब, मैं ब्लैंक हो गया भाई, मेरे सॉरी यार। क्या हुआ शौर्य? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल डूड। कुछ तो बोल, कुछ तो रिएक्ट कर। उस राजवीर की हो सकने वाली गर्लफ्रेंड, शी इज रियली लकी, बहुत केयर करता है ना उसकी, क्या क्या नहीं करता उसके लिए, इनफैक्ट जो नहीं करना है वो भी करता है। उस दिन उस ज्वेलरी स्टोर में उसे बचाया, उसे इनोसेंट प्रूफ किया, मैनेजर से सॉरी भी बुलवाया, और उसकी जो रिस्पेक्ट गई उसे वापस लाने के लिए वो मेरे अवार्ड फंक्शन आया और वहां आकर मेरी इंसल्ट की। उस झुमकी वाली के लिए इस राजवीर ने ना क्या काम किया है, सुपर, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और देखना आज भी वो यहां आकर इन सब से लड़कर उसे ले गया, वो तो उसके लिए हीरो बन गया। तू ये सब क्या बोल रहा है? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? उस क्रैकपॉट के दिल में उस झुमकी वाली के लिए जितना प्यार और इज्जत है से देखकर आई एम रियली इंप्रेस्ड। बाइक तो तुमने वहीं छोड़ दी, अगर किसी ने चुरा ली तो? नहीं चुराएगा। अरे वो बाइक के सामने पुलिस चौकी थी ना, देखी नहीं? और चलो माना कि बाइक चुरा भी ली किसी ने, तो बाइक में तो पेट्रोल ही नहीं है, उसे पेट्रोल भराना पड़ेगा, और पेट्रोल अगर भरा भी लिया उसने तो बाइक की चाबी तो मेरे पास है। मैं ना सबसे पहले तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा, और घर ड्रॉप करने के बाद मोहित के साथ स्कूटर पर आकर बाइक, हाँ मैं पेट्रोल भी ले आऊंगा, पेट्रोल बाइक में डाल के बाइक घर ले जाऊंगा, सिंपल। तुम्हारा सब कुछ हमेशा प्लान्ड ही होता है ना? नहीं, मेरा नहीं, भगवान का। इंसान की प्लानिंग फेल हो जाती है, ऊपर वाले की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, उन्हीं की चलती है। कैसे कर लेते हो तुम ये, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को तुम इतना छोटा कैसे बना देते हो? तुम्हें कभी घबराहट नहीं होती? सच कहूं तो होती है घबराहट, हुई भी। पता है जब मुझे पता चला कि तुम किडनैप हो गई हो तो ये सोचकर मैं बहुत घबरा गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन थैंक्स टू गॉड ये सोच में ही निकल गई, ये जो सोच थी वो सच नहीं हुई। Thank God, तुम ठीक हो। Hey, stop! Stop, stop! तुम लिफ्ट ले रहे हो? हाँ तो लिफ्ट तो लेनी पड़ेगी ना, पैदल चल के थोड़ी ना घर जाएंगे, घर इतना भी पास नहीं है, और कोई फिल्मी सीन तो चल नहीं रहा है कि मैं तुम्हें जाके सुनाऊंगा कि चार कदम चल दो साथ मेरे और तुम चल दोगी, चल दोगी, तुम पैदल चल दोगी। तुम्हें लगता है हिंदी फिल्म्स की तरह ये कार रुकेगी? रुक गई, ये फिल्म नहीं रियलिटी है, और रियलिटी में लोग हेल्प करते हैं। चलो आ जाओ, चलो। मेरे को नहीं बैठना है तेरे साथ, मैं जा रही हूँ पीछे, तू बैठ अकेला। एक्सक्यूज मी, वो हमें लिफ्ट चाहिए थी, वो हमारी बाइक खराब हो गई, तो आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? तुम्हें क्या, तेरा ड्राइवर है जो आगे गाड़ी चलाएगा तू पीछे बैठेगी? अंकल वो हमें लिफ्ट चाहिए थी, हमारी बाइक यहाँ पर खराब हो गई है, तो क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? अरे बाबा, इन दोनों को लिफ्ट दे देनी,
ठीक है, आप आके बैठो। थैंक यू। थैंक यू मत बोल बिकरा, क्या है ना मेरा बीबी आके बैठ के ना मेरा सर खा जाता है। आप आगे आके बैठो, बिकरी तू पीछे आके बैठ। हाँ अंकल, हमें चेंबूर तक जाना है। हाँ तो चल नहीं बेटा, मैं वहीं से घूम के जाएगा। शारे बेटा, कहाँ थे तुम? मॉम प्लीज, यू नो डैड इज सच अ हिटलर, जरा कदम बाहर रखा नहीं कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। घर में मुझे चैन से जीने नहीं देते, इसीलिए रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा बाहर गया था। लेकिन शौर्य बेटा, मॉम प्लीज, ये डैड का कुछ नया नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। व्हाट्स सो न्यू? ही इज ऑलवेज क्वेश्चनिंग, ऑलवेज बिहेविंग लाइक दिस। इस घर में मुझे कोई समझता ही नहीं है, और वो राजवीर की मासी, शी सच अ ग्रेट वुमन। रियली? या आई मीन वो मुझसे मिली, और कैसे एक्सप्लेन करूं अब, शायद वो दुनिया की पहली एक ऐसी इंसान है जिससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मां। रियली? या आई मीन भले वो कैसी भी हो, उनके पास मुझे देने के लिए कुछ हो या ना हो, पैसों से खरीदी जाने वाली चीजें, ये गिफ्ट्स, एनीथिंग, बट उनके पास कुछ तो ऐसा है जो वो मुझे दे सकती है। आई डोंट नो वो क्या है, बट कुछ तो है मां। शौर्या, मॉम प्लीज बाद में, ओके? ये राजवीर की मासी, चीज क्या है आखिर, और ऐसा भी क्या जादू कर दिया है उसने मेरे शौर्य पे कि शौर्य उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। नो नो नो, शौर्य मेरे होते हुए किसी और की तारीफ नहीं कर सकता। ये तो मैं होने में थोड़ी।